चलिए लास्ट वीडियो में हमने देखा कि भारत में कौन कौन सी एजेंसीज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व है जो हाइड्रो पावर को जनरेट करती हैं, और उसके इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, कहां पोटेंशियल ज्यादा है, ये सारी बातें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि आखिर हाइडल पावर के या हाइड्रो पावर के एडवांटेजेस क्या है, क्या लाभ है जल विद्युत का। चलिए फटाफट देखते हैं। पहला पॉइंट है, एक तो ये जो हाइड्रो पावर ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि इसको जो है फ्लोइंग वाटर से टर्बाइन चलाकर के विद्युत पैदा की जाती है, और वाटर इज अ पेरेनियल सोर्स, है ना, जल कभी नष्ट होने वाला है नहीं। या जिस पानी को हमने टर्बाइन पे गिरा करके और टर्बाइन चलाया और विद्युत पैदा की, तो वो पानी खत्म हो गया ऐसा नहीं है, वो पानी फिर फर्दर किसी उपयोग में हम ला सकते हैं, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरी बात, इसमें केवल पानी का प्रयोग किया जाता है तो इससे कोई फ्यूल वगैरह बर्न नहीं होती है, और इसके कारण ना तो किसी प्रकार का कोई पॉल्यूटेंट ग्रीन हाउस गैस, ना ही कोई हैवी मेटल ऑक्साइड्स, किसी भी प्रकार के कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं निकलते। इट मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो नॉन पॉल्यूटिंग होता है, एनवायरमेंटल का फ्रेंड होता है, इको फ्रेंडली होता है, ग्रीन एनर्जी होती है, क्लीन एनर्जी होती है, ठीक है। लॉन्ग लाइफ ऑफ प्लांट्स, यदि एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाता है और एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जाता है, तो थर्मल पावर प्लांट की मैक्सिमम लाइफ 100 ईयर हो सकती है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट की मैक्सिमम जो लाइफ है वो 200 प्लस ईयर होती है। यानी हाइड्रो पावर प्लांट यदि हमने एक बार बना लिया तो 250 से 300 साल भी उसको खींच सकते हैं। तो इसकी लॉन्ग लाइफ, यानी दार्जिलिंग में जो हमने हाइड्रो पावर प्लांट बनाया था 1897 में, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, आज भी पावर जनरेट कर रहा है। तो 1897 में बनी हुई चीज आज भी 2020 में एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस इसकी जो एवरेज लाइफ है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ जनरेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज रिलेटिवली लो। हाइड्रो पावर प्लांट यदि एक बार हमने बना लिया, हालांकि उसको बनाने में थर्मल वगैरह की तुलना में लागत ज्यादा लगती है, यानी इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई, बट वंस इट इज कंस्ट्रक्टेड, इससे विद्युत पैदा करना, उसको पावर प्लांट को ऑपरेट करना, उसका मेंटेनेंस करना, सब कुछ बहुत आसान है देन थर्मल, न्यूक्लियर एंड अदर टाइप ऑफ पावर प्लांट्स। हायर एफिशिएंसी, हाइड्रो पावर प्लांट से जब विद्युत पैदा करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी जितना हमने एक्सपेक्ट किया उसका 90% तक एनर्जी वहां से पैदा कर सकते हैं, जबकि कोल बेस्ड पावर प्लांट में 35% और गैस बेस्ड पे 50% की उनकी एफिशिएंसी होती है। एबिलिटी टू स्टार्ट एंड स्टॉप क्विकली, हाइड्रो पावर प्लांट में हम दरअसल पानी के बहाव को पानी टरबाइन पर गिराकर के विद्युत पैदा करते हैं, तो हम क्विकली गेट को खोल दिया, यदि डैम वगैरह है तो फटाफट विद्युत पैदा करना हमने शुरू कर दिया, और अगर नहीं करना है तो गेट बंद कर दिया, ठीक है, या वाटर का फ्लो बंद कर दिया, या टर्बाइन ऑफ कर दिया, कई ऐसे कंडीशन है, यानी हम फास्टली क्विकली इंस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हाइड्रो पावर प्लांट में स्टार्ट कर सकते हैं और उसको स्टॉप कर सकते हैं। नो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, क्योंकि पानी का उपयोग करके, बहते हुए वाटर का उपयोग करके हम विद्युत पैदा करते हैं, और ये जो बहता हुआ पानी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये कोई मार्केट में बिकने वाली कमोडिटी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसी चीजें नहीं है, अर्थात इसमें इन्फ्लेशन वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मुद्रास्फीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट से मुक्त है, ठीक है। डैम और बैराज हम बनाते हैं इससे, और उससे बहुत सारे बेनिफिट हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो डैम और बैराज हम क्यों बनाते हैं? हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस होती है, अभी मैं आपको आइडियल कंडीशन बताऊंगा। उस आइडियल कंडीशन में हमें या तो नेचुरल वाटरफॉल होना चाहिए या डैम बनाए। जब हम डैम बनाते हैं तो हम उससे केवल हाइड्रो पावर जनरेट नहीं करते, बल्कि उससे रिलेटेड मल्टीपल बेनिफिट हम उससे प्राप्त करते हैं। जैसे हम इरिगेशन में उस पानी का उपयोग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है, और भी तमाम प्रकार के उपयोग जो डैम से हम करते हैं, तो तमाम प्रकार के लाभ हमें यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। जबकि अगर हम थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं तो वहां पर हम केवल विद्युत पैदा कर सकते हैं, नो अदर बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट। लेकिन यहां पर
बेनिफिट ही बेनिफिट, ठीक है। नौवे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जब कहीं किसी जगह पर हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाता है, उसके लिए डैम बनाया जाता है, तो उसके आजू बाजू का पूरा एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाती है, रोड कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बिल्डिंग्स बन जाते हैं, विद्युत की सप्लाई जो है वो शुरू हो जाती है, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, रेलवे आ जाता है, तो ऐसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम ऐसे जगह पर होता है जहां हम हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं। हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ नेचुरल रिसोर्स, किस नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, हाइड्रो का यानी पानी का। तो अगर हम पानी को नदियों में बहने दें तो वो नदियों का पानी बहकर के सीधे समुद्र में चला जाएगा, उसका हमने कोई उपयोग नहीं किया, ठीक। लेकिन यदि उस बहते हुए पानी का उपयोग हम कर लें तो जो उस नेचुरल रिसोर्स में यानी उस वाटर में जो छुपी हुई पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने काइनेटिक एनर्जी में बदल लिया और उससे हमने ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लिया, यानी फ्री की चीज से हमने काफी इंपॉर्टेंट चीज, कीमती चीज पैदा किया है, ठीक है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स हैं। आप और शांति से बैठ के सोचोगे तो 2-3 पॉइंट और निकल आएंगे, ठीक है। अब आइडियल कंडीशन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए फिजियोग्राफी, यानी आपके देश की फिजियोग्राफी कैसी है, ठीक है। और वो फिजियोग्राफी कैसी होनी चाहिए, हिली एरियाज होनी चाहिए, वहां से नदियां निकलनी चाहिए, अर्थात नदियां जब पर्वतों से निकले तो वो नेचुरल वाटरफॉल बनाए, ताकि जब वो टरबाइन पर गिरे तो इतनी वेलोसिटी हो उनके वाटर में कि वो टरबाइन को बहुत तेजी से घुमा सके, ठीक है। तो और कौन कौन सी आइडियल कंडीशन हमें चाहिए, पेरेनियल फ्लो ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वही कंट्री जनरेट कर सकता है जहां ये कंडीशन अवेलेबल है। क्या पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर, यानी पानी बारहमासी उपलब्ध होना चाहिए, और लार्ज वॉल्यूम यानी कि थोड़ा मोड़ा बह रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है हाई वाटर फ्लो वेलोसिटी, वो पानी जो बहकर के आ रहा है नदियों से उसमें वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब है उसको ढाल से गिरना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वाटर शुड फॉल फ्रॉम सफिशियंट हाइट, पानी को पर्याप्त हाइट से गिरना चाहिए ताकि उसको रिक्वायर्ड वाटर वेलोसिटी मिल सके, ठीक है। तो ये जो सफिशियंट हाइट वाली कंडीशन है ये हम तीन प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला, कहीं नेचुरल वाटरफॉल है ऑलरेडी तो हमें वो हाइट ऑलरेडी मिल रही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि नहीं है, नदी प्लेन में बह रही है, बहुत ज्यादा ढाल नहीं है, तो हम वहां पर डैम या बैराज बना सकते हैं और एक पानी को स्टॉप करके वो डैम हाइट पे बनाया जाता है और फिर जो वहां जो है पानी को नीचे गिरा के और फिर विद्युत पैदा की जाती है। तो दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है डाइवर्सन। डाइवर्सन में क्या किया जाता है, दो नदियां होती है, मान लीजिए एक नदी है छोटी एक नदी है बड़ी, ये जो छोटी नदी है इसमें एक नेचुरल वाटरफॉल है लेकिन इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, एक बड़ी नदी है जिसमें नेचुरल वाटरफॉल नहीं है और लेकिन इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और दोनों नदी लगभग आसपास है, तो हम बड़ी नदी का पानी छोटी नदी के पानी में डाइवर्ट कर देंगे जिससे छोटी नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाए और उसमें ऑलरेडी नेचुरल वाटरफॉल है। तो तीसरा मेथड ये हो गया हमारा डाइवर्सन, ठीक है। तो डाइवर्सन ऑफ वाटर फ्रॉम वन रिवर टू अनदर रिवर, ठीक है, चलिए ये हो गई। चौथा पॉइंट होना चाहिए रीडली अवेलेबल मार्केट, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा रहा है तो उसको तुरंत कंजप्शन की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती, जितना बनाया जाता है उसको तुरंत ट्रांसमिट किया जाता है और उसका तुरंत उपयोग करना जरूरी होता है। पांचवी बात, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। स्वाभाविक बात है विदाउट टेक्नोलॉजी एंड विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नन ऑफ दी पावर प्लांट कैन बी बिल्ड, सिमिलरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन ऑल्सो बी नॉट बिल्ड इफ देयर इज नो टेक्नोलॉजी एंड देयर इज नो कैपिटल, ठीक है। तो ये पांच आइडियल कंडीशन है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है इंडिया में जिसने इंडिया को प्रेरित किया कि आप भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कीजिए, ठीक है। तो पहला जो है ऑल पॉइंट्स ऑफ द एडवांटेज, हमने जो एडवांटेज में सारे पॉइंट लिखे वो यहां लिख दीजिए, वो सारे फैक्टर है जिसने हमको मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंस किया कि आप हाइड्रो पावर जनरेट करो। दूसरा, ऑल पॉइंट्स ऑफ आइडियल कंडीशन, क्योंकि अगर जब तक हमारे पास आइडियल कंडीशन नहीं होगा
और आप हम जानते भी हैं कि हाइड्रो पावर से ये बेनिफिट है, ये एडवांटेज है, तो भी हम उसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो इंडिया में आइडियल कंडीशंस हैं। क्या आइडियल कंडीशंस हैं? इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां पर्वतों से निकलती हैं, भारत में बहुत सारे नेचुरल वाटरफॉल है, भारत ने बहुत सारे नदियों में डैम बना रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट हमको अवेलेबल है। और तीसरी बात, ग्लोबल कमिटमेंट। जब से ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा चला है, लगभग 1992 में रियो समिट वगैरह हुआ था, उसमें यूएनएफसीसी नामक एक बॉडी बनी थी, उसमें हमने कमिटमेंट किया है, वॉलेंट्री कमिटमेंट है। क्या कि हम अपने यहां ये जो पॉल्यूशन बेस्ड पावर प्लांट है, जैसे कि थर्मल कोल गैस वाला, उसकी मात्रा हम धीरे धीरे कम करेंगे। यानी इंडिया ग्रीन हाउस गैस का एमिशन धीरे 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 कम करेगा, और ये तभी हो सकता है जब हम रिन्यूएबल टाइप के या ऐसे एनर्जी, ऐसे सोर्सेस से एनर्जी पैदा करें जो पॉल्यूटिंग नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए भी हाइड्रो पावर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, थर्मल वाले को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके कारण इंडिया को हाइड्रो पावर जनरेट करने की प्रेरणा मिलती है। अब इंडिया में हाइड्रो पावर जनरेट करने की जो सुटेबल कंडीशन है वो दो जगह है, एक तो हिमालयन रिवर वाले क्षेत्र में और दूसरा पेनिनसुलर रिवर क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन दोनों में सेम नहीं है, दोनों में कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो हम लोगों ने दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कर लिया। हिमालयन रिवर में हाइड्रो पावर जनरेट करने की क्या पॉसिबिलिटी है और पेनिनसुलर रिवर में क्या पॉसिबिलिटी है, हम लोग देख लेते हैं। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उससे जल विद्युत पैदा करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, वेरी मच, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, और हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि ब्रह्मपुत्र बेसिन और इंडस बेसिन, ये दोनों वहां है हिमालय में, और अगर इन दोनों बांध टोटल कर दें तो 42 और 24 यानी 76% पोटेंशियल हिमालय रिवर में पाई जाती है, और केवल लगभग 20% जो क्षमता, 25% क्षमता जो है वो पेनिनसुलर रिवर में पाई जाती है। तो यहां पर ज्यादा पोटेंशियल है, यहां पर रिलेटिवली कम पोटेंशियल। अब यहां पर ज्यादा पोटेंशियल क्यों है, हिमालय की नदियों से हम ज्यादा जल विद्युत पैदा क्यों कर सकते हैं, उसका कारण देखते हैं। नंबर 1, यहां से निकलने वाली नदियां पेरेनियल है, सदावाहिनी। सदावाहिनी कैसे, जब गर्मी का दिन आया तो मानसून आ जाता है, भारत में बारिश होती है, बारिश से इन नदियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। जब ठंड का समय आया तो हिमालय की ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ जमने लग जाती है, और वही बर्फ जब पिघलती है तो इन नदियों को पानी मिलता है। तो ठंड के दिन में बर्फ से, गर्मी के दिन में मानसून से, तो कुल मिलाकर के भारत की जो नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली वे पेरेनियल है, सदावाहिनी है। ठीक है, पानी की मात्रा उनमें कभी कम नहीं होती। दूसरी, पर्वतों से निकलती हैं तो हाई वेलोसिटी है उन नदियों में। तीसरी बात, लो कंपटीशन फॉर यूज ऑफ वाटर, क्योंकि वो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय में वहां ना तो कोई इंडस्ट्री डेवलप है, ना उस पानी का एग्रीकल्चर उपयोग है, ना इंडस्ट्रियल उपयोग है, तो वो पानी जो नदियों से बह के आ रहा है वो पूरा का पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी पानी की मात्रा में कहीं कमी नहीं होती। और पांचवी, सपोर्टिंग फिजियोग्राफी। हिमालय में की जो फिजियोग्राफी चाहिए हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए, वो सारी फिजियोग्राफी हमारे हिमालयन में क्षेत्र में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हिमालयन रिवर्स में कैपेसिटी या पोटेंशियल हाइड्रो पावर जनरेट करने की बहुत ज्यादा है। पेनिनसुलर रिवर्स में रिलेटिवली पुअर है। क्यों है रिलेटिवली पुअर, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर में जो नदियां बहती हैं वो ग्लेशियर फेड नहीं होती, माने उनको ग्लेशियर से पानी नहीं मिलता, उनको बरसात से पानी मिलता है, तो सीजनल रिवर होती है, यानी मानसून के सीजन पर तो उनमें अच्छा खासा पानी होता है, लेकिन नॉन सूखे सीजन में उसमें पानी की मात्रा की कमी हो जाती है, जबकि हमें हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए पेरेनियल सोर्स चाहिए। दूसरी बात, लेस वेलोसिटी, क्योंकि कम ढाल से निकलती है रिलेटिवली हिमालय की तुलना में। ठीक है, तो इस उनमें वेलोसिटी थोड़ी सी कम होती है। हाई कंपटीशन वाटर के लेकर के हाई कंपटीशन है, क्योंकि पूरे पेनिनसुलर बेल्ट में बहुत सारे इंडस्ट्री भी लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर भी लगे हुए हैं, और वो उन नदियों का काफी ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर लेते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जिस वॉल्यूम में पानी की मात्रा चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके अलावा सपोर्टिंग फिजियोग्राफी पेनिनसुलर रिवर में भी है, दैट इज ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। ठीक है, और मोर नंबर ऑफ वाटरफॉल्स इन नदियों पर पाए जाते हैं। तो ये हमने हिमालय और पेनिनसुलर रिवर का कंपैरेटिवली स्टडी यहां पर कर लिया। अब हाइड्रो पावर के हमने फायदे गिना दिए,
क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंडिया के पास क्या है, हमने ये सारी बातें समझ ली। अब हम देखते हैं हाइड्रो पावर जनरेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है, सब कुछ मक्खन नहीं है, तो कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं दे आर लोकेटेड अवे फ्रॉम कंज्यूमिंग सेंटर्स। हाइड्रो पावर हमेशा वहां पर लगाया जाता है जहां पर हाइट हो, जहां पर हिली टेरेन हो, ठीक है, समतल जगहों पर नहीं लगाया, और हिली एरिया में पॉपुलेशन ना के बराबर होती है, तो पावर जनरेट कहीं और किया जा रहा है लेकिन उसको कंज्यूम कहीं और किया जा रहा है, तो उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, और जितनी लंबी दूरी तक हम उसको ट्रांसमिट करेंगे ट्रांसमिशन में उतना लॉस होता है, ठीक है। तो इसके कारण अगर ट्रांसमिशन लॉस होता है तो यहां पर एक आंकड़ा लिखा हुआ है कि यदि हम 160 किलोमीटर दूरी पर जो यहां पर हमने पावर जनरेट किया उसको ट्रांसमिट करते हैं तो 8% लॉस हो जाता है, और यदि 800 किलोमीटर तक ट्रांसमिट करते हैं तो 21% पावर जो हमने जनरेट किया है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन लॉस क्या है, कैसे होता है, वो हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि जितनी लंबी दूरी तक हम उसको ट्रांसमिट करेंगे उस पावर को जिसमें हमने जनरेट किया है उसमें उतनी कमी आती जाती है। दूसरी बात, लेस यूटिलाइज्ड। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रो पावर जनरेट करने की इंडिया में जो पोटेंशियल है वो 150 गीगावाट है, लेकिन वर्तमान में हम केवल 50 गीगावाट ही जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो लेस यूटिलाइज्ड है। इसमें हमें और ज्यादा अपनी कैपेसिटी को ऐड करने की, कैपेसिटी को इन्हेंस करने की जरूरत है। तीसरी बात, चूंकि ये फ्लोइंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है नदियों के माध्यम से, और भारत में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट कई नदियों को लेकर के है, तो ये भी एक बड़ी समस्या जो है हो जाती है। जैसे कावेरी नदी को लेकर के डिस्प्यूट है, ठीक है, गोदावरी को लेकर के डिस्प्यूट है, नर्मदा नदी को, तो ऐसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के कारण भी जो हमारी क्षमता है वो कम हो रही है। चौथी एक दिक्कत यह है कि वाटर तो स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट सब्जेक्ट है, इसलिए कई बार डिलेमा की स्थिति हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन जो वाटर है या नदी है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो कई बार सेंटर और स्टेट के बीच में भी इसको लेकर के जो है डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। पांचवी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर सीजनल। इंडिया में केवल हिमालय से निकलने वाली नदियां पेरेनियल है, इसके अलावा भारत में ज्यादातर नदियां छोटी है, कम वॉल्यूम वाली है और जो है सीजनल है, ठीक है। छठवीं बात, मैनी रिवर्स डोंट हैव नेचुरल वॉटरफॉल्स। बहुत सारी नदियां हैं जिनमें नेचुरल वॉटरफॉल ही नहीं है, और डैम को कंस्ट्रक्ट करना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, कैपिटल को की जरूरत हमें वहां पर पड़ती है, ठीक है। सातवें नंबर पर है डैम एंड रिलेटेड इश्यू। डैम बनाना कोई आसान काम नहीं है, डैम बनाने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सोशल क्लियरेंस, आसपास के लोगों को वहां से हटाना, उनका रिहैबिलिटेट करना, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आती है डैम बनाने में, ठीक है, तो ये सारी। आठवें नंबर पे इनिशियली लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट को लगाने में ज्यादा मात्रा में हमें जो कैपिटल है उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बार अगर वो बन गया तो उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस वगैरह सस्ता पड़ता है। नौवीं नंबर पे इनएफिशियंसी। इनएफिशियंसी का मतलब, दुनिया में कई हाइड्रो पावर प्लांट है जैसे थ्री गॉर्जेस डैम पावर प्लांट, वहां 22,000 से ऊपर मेगावाट की विद्युत पैदा की जा रही है, ठीक है, और भारत में अभी भी सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्लांट है वो कितनी है, 1960 मेगावाट, यानी वी आर मच बिहाइंड देन द इंटरनेशनल लेवल, तो हमें उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, 5,000 10,000 क्षमता वाले मेगावाट के हमें जो है हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। और दसवीं परेशानी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। कई बार किसी जगह पर हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाता है तो उससे फॉरेस्ट लॉस होता है, वहां के लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो कई प्रकार के एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर के भी दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए, तो हमने प्रॉब्लम समझ लिया, उसके बाद हम देखेंगे अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो डू इट योरसेल्फ, आपके सामने मैंने इतनी सारी बातें रख दी, अब आप खुद सोचिए इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, भारत सरकार ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो एनएचपीसी ने आरएनडी में तेजी लाई है, और आरएनडी हम इंडियन इंस्टीट्यूट्स और विदेशी संस्थानों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट्स में खास करके आईआईटी इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इनके साथ मिलकर के हम, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ऐसे बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिनके साथ मिलकर के एनएचपीसी
हाइड्रो पावर जनरेट में नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है। साइमल्टेनियसली हमने विदेशी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी टाइप किया है आरएनडी के क्षेत्र में। दूसरी बात यह है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, हम दुनिया भर में देखते रहते हैं जहां कहीं नई टेक्नोलॉजी हाइड्रो पावर को जनरेट करने की आती है, जो कि हमारे यहां जो उपयोग की जा रही है उससे ज्यादा एफिशियंट है, उससे ज्यादा क्लीन है, तो हम उसका उपयोग कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, एनएचपीसी या हाइड्रो पावर जनरेट करने में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी एनएचपीसी और अन्य बॉडीज जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कहीं पर भी हाइड्रो पावर प्लांट लगाने से पहले प्रॉपरली देख लिया जाता है कि इसको लगाने के बाद एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जब सब कुछ ओके आता है तभी वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाता है। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि किसी जगह पर यदि डैम वगैरह बनाकर के हाइड्रो पावर जनरेट की जा रही है तो उस पूरे जगह का पूरा मुआयना कर लिया जाता है अच्छी तरीके से, ताकि डैम बनाने के बाद यहां पर कोई समस्या ना आ सके। ठीक है, इस रिवर में रहने वाले जो फिशिंग या अदर ऑर्गेनिज्म से उनको कोई हानि ना हो, फ्लड की प्रॉब्लम ना हो, लैंडस्लाइड ना हो, तो ये सारे समस्याओं को अच्छे से देखने सुनने के बाद ठीक। अगली बात यह है कंपनसेटरी या सप्लीमेंट्री एफोरेस्टेशन, यानी अगर कहीं पर हाइड्रो पावर प्लांट लगाने से फॉरेस्ट का थोड़ा बड़ा नुकसान हुआ है तो उस प्लांट को लगाने के बाद उसके आजू बाजू के क्षेत्र में फॉरेस्ट्री का काम भी किया जाता है ताकि फॉरेस्ट लॉस ना हो सके। टैरिफ रैशनलाइजेशन एंड बजटरी सपोर्ट, अभी थोड़ा हाइड्रो पावर जनरेट करने में टैरिफ थोड़ा सा ज्यादा है, उस टैरिफ को कम करने की जरूरत है। इसके अलावा भारत सरकार समय समय पर एनएचपीसी और भी जितनी संस्थाएं हैं जो हाइड्रो पावर जनरेट करती हैं उनको बजट के माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान कर रही है। कैपेसिटी एडिशन, हर साल एनएचपीसी द्वारा या और भी जो संस्थान हाइड्रो पावर जनरेट करती हैं वो दो चार पांच नए प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट हर साल एडअप करती जा रही है। इससे हर साल हमारे यहाँ हाइड्रो पावर में कैपेसिटी एडिशन होती जा रही है। जैसे 210 हाइड्रो पावर प्लांट ऑलरेडी जो है इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं और 38 अभी विभिन्न स्टेज पर हैं और उनको आने वाले समय में फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट विल बी डिक्लेयर्ड आरई। अभी 2020 में ही भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी तक हम रिन्यूएबल एनर्जी, ये आरई, आरई का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, अभी तक हम रिन्यूएबल एनर्जी में लार्ज हाइड्रो को नहीं जोड़ते थे, समझ में आ रही बात। और ये लार्ज हाइड्रो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आता था, केवल स्मॉल हाइड्रो को हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते थे। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि चाहे लार्ज हो या स्मॉल हो हाइड्रो पावर तो रिन्यूएबल ही है, तो इस क्लासिफिकेशन को खत्म किया जाएगा और लार्ज हाइड्रो पावर को भी अब रिन्यूएबल एनर्जी माना जाएगा। ठीक है, स्पेशल अटेंशन इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा हिली एरिया है और वहां पर हाइड्रो पावर जनरेट करने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से काम कर रही है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है और वहां पर हाइड्रो पावर की जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने की कोशिश की जा रही है। कल ही हम लोगों ने बात किया था कि अरुणाचल प्रदेश के में जो है दिबांग हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जा रहा है जो कि भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। अब आपको सजेशन देना है कि और क्या आप अपने तरफ से कुछ बातें एडअप कर सकते हैं जिससे भारत में हाइड्रो पावर प्रमोट हो, हाइड्रो पावर का मात्रा टोटल एनर्जी कंजप्शन में बढ़े। ठीक है, तो ये सजेशन आपको खुद ही बताने हैं। जैसे मैं एक दो पॉइंट आपको बता सकता हूँ, कल हमने देखा था कि इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत कम है, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, स्मॉल हाइड्रो पावर को प्रमोट किया जाए, पोटेंशियल असेसमेंट अच्छे ढंग से किया जाए पूरे भारत में कि कहां पर किस नदी में क्या समस्या है। इसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उनको जल्द से जल्द जो है वो शॉर्ट आउट किया जाए। इंडिया में अभी हम लेस यूटिलाइज किए हैं और ज्यादा मात्रा में हमको यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे तो आप अपने तरफ से अपनी बात रख सकते हैं और आप सजेशन दे सकते हैं कि ये सब करने से भारत में हाइड्रो पावर का परसेंटेज शेयर बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको एक दो नोट्स यहाँ पर ध्यान रखना है। एनर्जी स्टेटस डेस्क एक पब्लिकेशन है, हर साल इस आंकड़े को सीएसओ द्वारा, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, 2012 या 13 का यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि एनर्जी स्टेटिस्टिक्स किसके द्वारा
जो है प्रति वर्ष जारी किया जाता है उसको सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है। इंडियाज एवरेज ट्रांसमिशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 20.8%। भारत में एवरेज हम जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसको ट्रांसमिट करने में कितना लॉस भारत को उठाना पड़ता है वो लगभग 21% के आसपास है। यानी अगर हमने 100 यूनिट एनर्जी यहां से भेजी तो जाकर के डोमेस्टिक लेवल पर या जहां पर भी हम टारगेट के लिए उसको भेज रहे हैं वहां पर लगभग 80 यूनिट ही मिल पाता है, 20 यूनिट लॉस हो जाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन लॉस क्या है उसको डिटेल से समझेंगे। यहां तक हमारा हाइड्रो पावर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और किस किस तरीके से भारत इन सारे रिन्यूएबल एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।